अच्छा सर, अब आते हैं उर्जित पटेल जी के कार्यकाल पे, गवर्नर आरबीआई, पूर्व गवर्नर आरबीआई। तो जुलाई 2018 में सरकार ने खुद ये कहा कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं उर्जित पटेल जी के आरबीआई गवर्नर होने से। तो सर, ऐसा तनाव क्या पैदा हुआ? ऐसी कौन सी पॉलिसीज ड्राफ्ट कर रहे थे वो, जिसको लेकर सरकार उतनी सेटिस्फाइड थी नहीं और बार बार विवाद में आ जाते हैं? और एक सवाल और ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, जो कि उर्जित पटेल को लेकर आए थे एज आरबीआई गवर्नर, क्या एक बार एक मीटिंग में वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे? उन्होंने भी बहुत सुना दिया था एक तरीके से कि ये आप देखिए काम ठीक तरीके से। अरुण, ये अरुण जेटली जी मेरे ख्याल से सभ्यता की मिसाल, वो कभी किसी ऑफिसर को उन्होंने कुछ कहा हो या किसी के साथ असभ्यता से पेश आए हो या अपनी आवाज़ ही ऊंची की हो, वो अरुण जेटली नहीं थे। अरुण जेटली बड़े सॉफिस्टिकेटेड, बड़े सिविलाइज्ड, वो ऑफिसर्स को भी जितनी इज्जत मिलनी चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा इज्जत वो देते थे। ठीक है, आप अगर उस समय के कुछ पब्लिकली बयान भी देखें तो अरुण जेटली जी का भी जो फ्रस्ट्रेशन, जो शब्द आपने भी इस्तेमाल किया, वो काफ़ी विजिबल हो गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अरुण जेटली जैसा कोई आदमी किसी अधिकारी से इस किस्म से परेशान हो गया हो तो स्थिति निश्चित रूप से काफ़ी काफ़ी खराब हो गई होनी चाहिए। उर्जित पटेल जी के साथ मैंने पहले भी इंटरेक्शन मेरा हुआ था, और मैंने इसमें लिखा भी है कि वो एक बहुत उम्दा किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी उनकी डेटा वगैरह के बारे में उनकी बड़ी ज़बरदस्त पैठ थी, नॉलेज थी, इंडिपेंडेंट माइंडेडनेस भी काफ़ी उनमें थी, और निश्चित रूप से रिज़र्व बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो करना चाहते थे वो उनको, बट गवर्नेंस जो है देश को चलाना वो एक थोड़ा और किस्म का काम है। ये नहीं है केवल मैं एक जगह खड़ा हूँ और उस जगह पे जो मैं सोचता हूँ उसी को ही मैं कर दूँ, बाकी व्यवस्था को ना बताने की ज़रूरत है ना उसको साथ में लेने की आपने ज़रूरत बार है। बार इसमें बुक में लिखा है कि जब भी कोई मीटिंग होती थी तो उर्जित पटेल जी आके हर बार बोलते थे कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही। सरकार को उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि आप अपना काम ठीक से करिए, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, सरकार बोलते कि ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, आप पहले अपना काम ठीक से करिए। तो उस कार्यकाल में वित्तीय हालत वाकई भारत की बहुत तो बिगड़ती जा रही। ये जो इंस्टेंस आपने अभी कोट किया, देखिए अगर आप ये मान के चलते हैं, जैसा बहुत सारे यहाँ इकोनॉमिस्ट देश में मान के चलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी रिज़र्व बैंक का काम है और सरकार को उसमें दखल नहीं देना चाहिए, तो फिस्कल पॉलिसी किसका काम है? तो फिस्कल पॉलिसी में क्यों, क्या रिज़र्व बैंक को दखल देना चाहिए? राइट, और वो जो चार पांच इंस्टेंसेस उस प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में, वो सारे फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड थे। तो उससे ये निष्कर्ष निकला, जो वित्त मंत्री जी का भी और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का भी, कि भाई ये आदमी अपना काम तो अलग तरीके से कर रहा है जिसमें समस्याएं आ रही हैं और हमें कह रहा है कि ये आप काम करिए, ये करिए, वो करिए, तो निश्चित रूप से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग, थोड़ी सी उस किस्म की नाराज़गी की फीलिंग निश्चित रूप से आएगी। तो उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा सर, सरकार ने दबाव डाला था। नहीं, मैंने इसमें भी लिखा है, मेरा ये बात जुलाई या सितंबर की है जिसमें प्रधानमंत्री जी की मीटिंग का हवाला मैंने इसमें विस्तार से दिया, ये सितंबर की बात है। उस समय तक ये स्थिति बन गई थी कि ये जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए रिज़र्व बैंक मीटिंग नहीं बुला रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने अक्टूबर में मीटिंग भी बुलाई, वो बड़ी टेम्पेचुअस, काफ़ी विवादास्पद किस्म की हाई टेंशन मीटिंग रही, लेकिन मीटिंग हुई। वो दोनों मीटिंग के बाद उसमें ये भी तय हो गया कि भाई अब इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए एक कमेटी बना दो, उस कमेटी में सरकार और रिज़र्व बैंक नॉमिनेट कर दे एक आदमी, एक्सपर्ट्स को बाकी ले लो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस। सो मेरा इम्प्रेशन ये है कि अक्टूबर के ख़त्म होने के बाद मिड नवंबर तक मुझे ऐसा कन्विंसिंग होने लगा कि ना ये
इन्होंने थोड़ा जो ज़रूरी था वो बदलाव भी कर लिया है। अब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी वापस खुल गई हैं, बातें भी हो रही हैं, सॉल्यूशन भी निकल रहे हैं। तो हमारा निष्कर्ष तो ये था कि अब वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, ऐसा एक मीटिंग में चर्चा भी हुई। तब मैंने तो अपनी राय ये रखा, मैंने कहा नहीं, आपको ना तो ज़रूरत महसूस होती है और ना मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब काफ़ी मुद्दे जो हैं वो तो निकल गए। इसलिए जब उन्होंने 10 दिसंबर को अपना रेजिग्नेशन दिया और एक बिल्कुल अलग तरीके से दिया, नॉर्मली वित्त जो गवर्नर रिजर्व बैंक है, अगर उसको रिज़ाइन करना है तो वो वित्त मंत्री को अपना रेजिग्नेशन भेजता है या वित्त मंत्रालय को अपना रेजिग्नेशन भेजता है। उन्होंने वित्त मंत्रालय को रेजिग्नेशन भेजा नहीं, वित्त मंत्री जी को भेजा नहीं। उस समय ये DFS जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका चार्ज भी मेरे पास ही था, इसलिए आई न्यू इट कि वहाँ पे भी रेजिग्नेशन नहीं आया है। और उन्होंने वो एक रेजिग्नेशन अपने रिजर्व बैंक की वेबसाइट पे पोस्ट करके कि भाई मैं रिज़ाइन करता हूँ और मैं जा रहा हूँ। सो वो भी एक तरह से काफ़ी आकस्मिक और सरप्राइजिंग सा कदम था। तो ये हमेशा से हम जानना चाहते थे कुछ ऐसी बारीकियां, कुछ ऐसी अंदर की बातें, तो वो सारी इस बुक में लिखी हैं सर ने, ये बात तो। और मैं पढ़ के खुद हैरान हो रहा था, इसलिए मेरे को लगा कि ये आपने अपने जीवन काल में जैसे जैसे आपके साथ ये चीज़ें घट रही थी आपने वही इस बुक में लिख डाली हैं। अच्छा, एक ना आपकी मीटिंग्स में हर बार एक मुद्दा आता है RBI को लेकर, सरप्लस का, जो RBI के पास कैश रहता है, जो वो रिजर्व सरप्लस जो बोलते हैं, वो कितने सरकार के हिस्से में आएंगे, ये कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है सर? आज तक तो कोई ऐसा फॉर्मूला निकला नहीं कि जिसमें पता लगे कि हाँ इतना फिक्स देना है RBI को, हर बार कुछ ना कुछ नया ही आंकड़ा सामने निकल आता है, और उस पर कितना विवाद होता है RBI के साथ, वो तो देने को तैयार नहीं होते। RBI जो भी कमाता है, जिसको सरप्लस हम कहें, वो सॉवरेन फंक्शन के एक्सरसाइज में कमाता है। RBI कोई बिजनेस नहीं कर रहा, RBI कोई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा हो या सेवाएं दे रहा हो, ऐसा काम नहीं करता। RBI नोट प्रिंट करता है, एंड सॉवरेन फंक्शन है नोट प्रिंट करने का। नोट प्रिंट करने की कॉस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, और पूरा का पूरा पैसा एक तरह से आपके पास होता है, जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पर आप कमा सकते हैं, तो वहाँ से आपका प्रॉफिट आता है, राइट? इसी तरह से बैंकों पे आप रेगुलेट करते हैं, तो बैंकों को आप कहते हैं भाई आप बिना इंटरेस्ट की डिपॉजिट मेरे पास रखिए, CRR वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो वो आपके पास आ जाता है। और सरप्लस के में से भी अगर आप पैसा रख लें, वो भी आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन कि RBI की जो लाइबिलिटीज़ हैं, जिसके ज़रिए वो रिसोर्स रेज करती है, उसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, और जो असेट हैं वो सब यील्ड करती हैं रिटर्न। तो सरप्लस जो है वो सॉवरेन का सरप्लस है, ये रिज़र्व बैंक का नहीं है, और रिज़र्व बैंक को अपने काम करने के लिए सरप्लस की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कभी लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के रूप में आपको पैसा कहीं डालना पड़े किसी बैंक में, तो आप प्रिंट कर लीजिए, और या आजकल तो डिजिटल एंट्री होती है, डिजिटल एंट्री डाल दीजिए, आप उसको दे दीजिए पैसा, उसको 2% 5% जितने में भी, तो आपको सरप्लस रिटेन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, राइट? इसीलिए कानून जो है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है, वो ये कहता है कि सारा सरप्लस जो है वो भारत सरकार को ट्रांसफ़र किया जाएगा, केवल उतना जो कोई प्रोविजंस वगैरह, आपने कोई असेट बनाई, असेट की डेप्रिसिएशन है या कोई और छोटा मोटा कहीं डेप्रिसिएशन वगैरह हो, तो उसके लिए आप अपना थोड़ा बहुत रख लीजिए, बाकी सारा सरकार का। तो समस्या की जड़ जो ये है वो ये है कि जब रिज़र्व बैंक में कुछ लोग ये करने लगे कि भाई हम थोड़ा पैसा रखें अपने पास, और ये फार्मूले कभी कुछ आया, कभी दूसरा फार्मूला आया, विमल जालान वाला तीसरा फार्मूला, कोई ऐसे ये फार्मूले चलते रहते हैं, बट मेन मुद्दा ये है कि आप, इसका हक सरकार का है, और सरकार को अगर आप नहीं देना चाहते तो फिर तनाव। अच्छा, ये भी एक कॉन्ट्रोवर्सी की वजह थी उर्जित पटेल जी को, ये तो बड़ा मुद्दा, ये जो प्रधानमंत्री जी की मीटिंग का रेफरेंस है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि वो देना ही नहीं चाहते थे सरकार। वो उन लोगों ने एक बना रखा था इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कि हम तो इसके हिसाब से देंगे, तो इसके हिसाब से अगर हमें 30% 40% 50% अपने पास रखना है तो हम रखेंगे।